अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन की शामी कबाब बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें मैंने एक कप चने की दाल ले ली है, एक पाव मुर्गी ले ली है जिसे मैंने पहले से बॉयल कर लिया था, और ये मैंने 4 से 5 लहसुन की जउए ले ली है, और ये मैंने 4-5 पीसेस अदरक की ले ली हैं, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ले ली है, और नमक हसबे जायका, 1 चम्मच कूटी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये साबुत गरम मसाला, और ये 1/2 चम्मच टीन मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी ले ली है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक देगची में 1 गिलास पानी डाल दिया। अभी हमने इसके एक देगची के अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे, और ये अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे, और ये अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। चिकन मैंने पहले बॉईल करके रख दी थी, इसलिए मैंने चिकन ऐड नहीं किया है इसके अंदर, और अब हम इसे दरमियानी आंच पर ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारी तकरीबन दाल गल चुकी है, और दाल गलने से 10-15 मिनट पहले हमने ये मुर्गी भी ऐड कर देनी है, और फिर से हमने इसे ढक के पकने के लिए रख देना है। ये अब हमारी दाल बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे पीस लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब हमने पीस ली है, और ये मैंने थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च पीस ली थी, और ये अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ये और टेस्टी हो जाए। ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब कितने स्पाइसी लग रहे हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये हमने इस तरीके से सारे शामी कबाब बना लेने हैं, देखिए इस तरीके से। अब ये हमने अपने सारे शामी कबाब इसी तरीके से बना लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमने शामी कबाब को अंडे के अंदर मिक्स करके अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये मैंने इसके अंदर शामी कबाब डाल दिए हैं। कबाब बन के तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।